अभी क्या क्या डाला इसमें? और इधर इधर चिकन का तैयारी हो गया है। शीत मिनिस्टर आप? शीत मिनिस्टर। तो गाइस इसको हम फर्स्ट टाइम के लिए टेस्ट करने जा रहा है। और इसको देखो ये ऐसा है, ऐसे कर रहा है। तो गाइस ये हमने जगह थोड़ा साफ कर लिया और लकड़ी वगैरह लाया और इधर प्रिपरेशन चल रहा है, थोड़ा सा फाइलअप कर रहा है। तो हम लोग आया है सांगमा के पास, गुरु भाई और मैं आया है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ और एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत तागड़ा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बनाएगा बम्बू में चिकन। तो क्या बोलते हो भाई लोग? तो रेडी हो रहा है अभी, बम्बू राइस भी बनाएंगे। राइस भूल गया है, बम्बू राइस और चिकन दोनों बनाएंगे। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, यूट्यूब पे बहुत देखा है वीडियो, यूट्यूब पे फेसबुक पे। तो अभी तो सांगमा भाई आया है इधर। इधर क्या किया है? पानी पानी। चलो शुरू करते हैं। और गाइस इधर खालेंदो आग जला रहा है और इधर बम्बू का प्रिपरेशन चल रहा है, सांगमा भाई कर रहा है। बम्बू बना रहा है अभी। तुम लोग की वजह से इधर चिकन का तैयारी हो गया है। और इधर आप लोगों का नाम क्या है एक बार बोल देना? हेमंत महाराज और प्रमोद दास। शीत मिनिस्टर आप? शीत मिनिस्टर। तो अभी फुल प्रिपरेशन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग। तो इसके पहले साफ कर लेना चाहिए ना? तो वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये दिक्कत नहीं करता। अच्छा, तो इसे पानी से साफ कर लेना चाहिए। तो गाइस इसका नाम जिमी है, जिमी जिमी। तो अभी जिमी के पास बैठा है मैं, है कि नहीं? और इधर देखो पूरा रबर का पेड़ से खड़ा है, पूरा रबर का पेड़ इधर करके पास ये खर है, ये रबर का पेड़ पूरा। वो लोग तल दिया ना सबको। अभी क्या क्या डाला इसमें? ये प्याज है, तेल है, मसाले है। तो गाइस इधर सब कुछ डाल दिया है, तो मसाला वगैरह सब कुछ मिला के डाल दिया इधर, तेल भी डाल दिया सब कुछ, और प्याज भी है इधर। प्याज है देखो, ये प्याज, नमक नमक भी डाल दिया। अभी इसके अंदर फराएगा, इसके अंदर जाएगा अभी। रुक जाओ रुक जाओ, सीन मत छोड़ो। पूरा मसाला का ये वो बन गया ना, पेस्ट बन गया एक। ऐसे भरते हुए दिखाना, फोटो लेना। अभी थोड़ा पानी डालेगा ना, तो इधर पानी डालेगा चिकन जब अंदर गर्म होके उबाल आएगा ना। हाँ, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ये तो आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। काला हो जाना चाहिए, पूरा जल जाएगा, तभी वो उबाल आएगा ना। अच्छा, ये पूरा काला आने के बाद उबाल आएगा ना, तब तब बन जाएगा। अभी हमारा खालेंद्र भाई डाल रहा है चिकन और फिर केले का पत्ता का जला के इसके अंदर डालना है ना। तो ऐसे केले के पत्ता को ऐसे अंदर डालना है जला के। तो गाइस अभी बन रहा है फ्रेम। तो गाइस अभी इसमें चावल डल गया इसके अंदर, तो अभी नहीं दिखेगा आप लोगों को। पानी भी है, चावल भी है ना, दोनों डाल दिया है इसके अंदर और चावल भी बनेगा बास में। तो इधर बन रहा है फ्रेम और पूरा लकड़ी डाल रहा है, उसके बाद इस फ्रेम में ऐसा ऐसा करके रखेगा। हो गया पूरा सेटअप, हो गया। हो गया।
गाइस अभी बन रहा है बेम्बू चिकन बेम्बू के अंदर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटे लगेगा और आप लोगों को दिखाता हूँ आधे घंटे के बाद। तो अभी ऐसा इसको होने देते हैं और आग भी जलने देते हैं अभी, तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को। चलो उबाल रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, देखो अभी होने वाला है ना, ये ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर हम लोग खाएगा मस्त से। तो ये है चावल, चावल का भी हो गया और इस सबका हो गया, शायद पूरा निकल रहा है उबाल आके। तो गाइस अभी केले का पत्ता ऊपर से लाया है जो खालेंद्र भाई है, और ये हम लोगों को गिफ्ट में दे रहा है, घर ले जाना, घर ले जाने के लिए। तो गाइस अभी चिकन निकलने वाले है, और है क्या? अरे थोड़ा पक तो गया है, ठंडे होने के लिए रख दो थोड़ा। इधर चिकन निकल दिया है और इधर एक पीस खाने के लिए लिया है, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। मस्त हुआ एकदम। मजा आ गया, अभी खाने की तैयारी चल रही है। पीछे से निकल गया पूरा, ऐसे ही खा दो मुंह में घुसा लो ऐसे ही। आगे आगे देखो ना, आगे देखो, आगे देखो, ट्रेन से देखो, जलमस्त स्मेल आ रहा है, थोड़ा स्लो। देख ये इसमें नहीं गया, जल गया, जल गया। ठीक है निकालो, फिर भी निकालो, अरे जलने से क्यों नहीं हुआ ना, हाँ मजा आएगा, निकालो अल्लाह हम लोग सब, अभी और भी है, निकालो उससे भी निकालो बस। चलो ले निकल दो, ये लो पिन रहा है, हाँ कितना मस्त दिख रहा है यार अभी से ही। अभी चावल भी लाया है, चावल निकलेगा, इसमें चावल है, चलो मैं बना ना दादा, अभी हो गया रे चावल निकल गया पूरा, आराम से निकल गया चावल। बम्बू राइस, बम्बू राइस, बम्बू चिकन, और क्या चाहिए, पूरा देखो गाइस, राइस निकल गई यार। इसमें पकने के बाद ना एक अलग सी बड़ी खुशबू इसमें आ गई, लकड़ी का पका हुआ है, जो धुआं धुआं से था ना स्मेल, वो तो थोड़ा। इधर है चिकन, इधर है बम्बू राइस। तो फ्रेंड्स बैठ गए खाने के लिए, आप लोग देख के ही जो खाने वाले जो चिकन लवर होंगे ना उसके मुंह में तो पानी आ जाएगा, देखो ना गाइस आज तो पूरा खाएगा गाइस, थोड़ा सा पेक तो फ्रेंड्स अभी खा के देखता हूँ, दिख रहा है ग्रेवी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन टेस्ट बढ़िया है ना, ग्रेवी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा टाइट वाइट बना है। बम्बू चिकन बनाओ लेकिन नेचर में बनाओगे तभी मज़ा आएगा, पहाड़ों पे एकदम मस्त। तो गाइस ये जो जला हुआ है ना इसको खाने में बहुत मजा है कि नहीं भाई लोग,
तो अभी खाते हैं चलो। मिर्ची गाइस बैम्बू चिकन तो आज तक नहीं खाया था, आज पहली बार खा लिया। और आज इसको भी हो गया, इसका भी बना लिया, इसको भी टेस्ट करने जा रहा हूँ जो ये नॉर्थ ईस्ट का ट्रेडिशनल में पड़ता है स्नेल्स का, इसको हम खामुक बोलता है। तो सांगवा वन टेस्ट कैसा? बहुत अच्छा। तो गाइस एक टेस्ट कर लेते हैं इन्हें बच्चे से तो पूछना है। तो गाइस इसको हम फर्स्ट टाइम के लिए टेस्ट करने जा रहा है। तो इसको देखो ये ऐसा है, ऐसे करके जोर से खींचना होता है। निकल गया कैसा है? हाँ टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट है ना कि आगे मटन फेल है। तो देखो ये नैना आ गया, नैना लड़ाई कर रहा है इधर। तो बुरा लगता है हाँ हाँ मो वो हाथ से आ गया नीचे लगा। तो सांगमा ने ये गिफ्ट दे दिया है केला दोनों को, हम दोनों को इसको भी दिया। मेरा भैया दिया था, थैंक यू। तो गाइस बहुत एक्सपीरियंस कर लिया आज, मतलब बैम्बू चिकन भी खाया और स्नेल्स भी खाया हम लोगों ने। तो भाई लोगों को बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और लाइक भी कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलो।